नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे पूजा के उन संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनसे जो शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं वह हमारे पास हैं। हमारे अंदर कितनी शक्ति उस पूजा से आ चुकी है, हमारे अंदर कितने देवताओं की शक्तियाँ जाग चुकी हैं। यहाँ तक कि आप लोग पूजा के संकेतों से यह भी जान सकते हैं कि क्या आपके साथ कोई नेगेटिव शक्ति है, या फिर आपके साथ देवताओं की शक्ति है, या फिर किसी भूत प्रेत बाधा की। साथ में अगर कोई देवी देवता आप लोगों के शरीर में आना चाहते हैं तो उनको आने के जो लक्षण हैं वह भी आप लोगों को पूजा के दौरान ही प्राप्त होते हैं। आप लोग पूजा के उन लक्षणों से भी जान सकते हैं कि आपके साथ अन्य देवी देवताओं की शक्तियाँ चल रही है। तो साथ में बात आती है कि जो पहला संकेत आप लोगों को प्राप्त होगा कि अगर कोई देवी देवताओं की शक्तियाँ आपको पूजा करने से मिलती हैं, तो सबसे पहला संकेत है कंपन। आपके शरीर में कंपन महसूस होगी आपको पूजा के समय पर। अगर पूजा के समय पर आप लोगों के शरीर में वो कंपन आपको महसूस होती है, आपकी आंखों से आंसू आते हैं, आपके शरीर में हल्के हल्के झटके पड़ते हैं, साथ में आप लोगों का शरीर एक सुन अवस्था में चला जाता हो, आप लोगों को पूजा के समय पर आनंद आता हो, आप लोगों का पूजा करने में मन लगता हो, आप लोगों को अपने आसपास सुगंधित वातावरण महसूस होता हो, साथ में आप लोग जब पूजा करते हैं अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप लोगों के ध्यान में कोई नेगेटिव विचार न आते हो, केवल और केवल पॉजिटिव विचार ही आपके मन में आते हो। साथ में जिस देवता के बारे में आप जिनका मंत्रा जपते हो, जिनका ध्यान लगाते हो, उन देवताओं की तस्वीरें अगर आपको ध्यान में दिखाई देती हैं, ध्यान में नज़र आती हैं, तो इनसे आप लोग जान सकते हैं कि आपके साथ उन देवी देवताओं की शक्तियाँ जरूर चल रही हैं। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब किसी देवी शक्ति का हमारे चारों ओर घुमाव होता है, कोई शक्ति हमारे चारों ओर घूमती है। अगर हम पूजा करते हैं और हमारी पूजा लग रही है तो आप लोगों को जो हमने ये संकेत बताए यह संकेत जरूर मिलेंगे। इसी के साथ साथ दीपक के द्वारा भी आपको पूजा के समय पर संकेत मिलते हैं। जैसे दीपक में हमारे फूल बनना शुरू हो जाता है। जब हमारी पूजा हमारे इष्ट देव के पास पहुंचना शुरू होती है तो आप लोगों को पूजा के समय पर दीपक के अंदर फूल बनता हुआ नजर आता है। कई बार तो उस फूल की पंखुड़ियाँ 3 होंगी, कई बार 5 होंगी, कई बार 7 या उससे अधिक भी हो सकती हैं। कई बार अनेकों फूल हमारे दीपक में हमें बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यह सब संकेत अगर आपको मिलें तो इनसे भी आप लोग जान सकते हैं कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव के पास पहुंच रही है और पूजा का फल आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से दीपक की लौ का ऊपर की तरफ उठ जाना, बिल्कुल ऊंचा होना, जैसे 1 या फिर 2 इंच, कई बार तो हमारी जो ज्योति है वह 6 इंच तक चली जाती है, वह ऊपर की तरफ लंबी हो जाती है, तो यह भी संकेत देता है कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है। साथ में पूजा के दीपक के अंदर आप लोगों को कुछ आकृतियां बनती हुई नजर आ सकती हैं। उन आकृतियों में आपको देव दर्शन भी हो सकते हैं, साथ में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि उसमें छोटी छोटी 2 आंखें बनी हुई हैं। साथ में अगर वह दीपक आपको अपनी तरफ खींचता है, दीपक को देखते ही आपका मन शांत होता हो, आपका ध्यान पूजा करते करते बार बार दीपक की ओर जाता हो, आपका मन आकर्षित होता हो, आप लोगों को एहसास होता हो कि जैसे जो दीपक आपने जलाया हुआ है उस दीपक के अंदर देवी देवताओं की शक्तियां हैं, तो ऐसे में आप लोग जान सकते हैं कि आपकी पूजा सफल हो रही है। इसी प्रकार से बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरे संकेत में आप लोग कैसे जानोगे कि देवी देवताओं की शक्तियां
या फिर पूजा का फल आपको प्राप्त हो रहा है। तीसरा संकेत आपको पूजा के समय ही प्राप्त होता है। अगर कोई देवी देवता आपके शरीर में आना चाहते हैं, अगर कोई उनकी ऊर्जा आपके शरीर में अपना एहसास दिखा रही है, आप लोग भी चाहते हैं कि देवता आएं आपके शरीर में, आपसे बातें करें, उनकी शक्तियाँ खुलकर आएं, तो ऐसे में दोस्तों जो आपका शरीर है वह सुन पड़ता हुआ आपको महसूस होगा। अगर आपके शरीर में वो शक्ति आना चाहती है तो पूजा के दौरान आपका शरीर सुन पड़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपके हाथ पैर सुन होंगे, फिर आपका सर सुन होगा, फिर ऐसे ही आपका पूरा शरीर एक सुन अवस्था में आ जाता है और उस सुन अवस्था में आपको नींद के झोंके पड़ते हैं और उन्हीं नींद के झोंकों में आप लोगों को देव दर्शन हो जाना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं नींद के झोंकों में आप लोगों को जो कुछ सेकंड के लिए आपको नींद आती है, जो झोंका नींद का आता है, उन्हीं के दौरान आप लोगों को देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। कई बार तो हम कुछ पल के लिए उन देवताओं के मंदिर में पहुंच जाते हैं, हमारा ध्यान वहीं पर हो जाता है, साथ में कुछ और हमें कई बार महसूस भी नहीं होता, हमें याद ही नहीं रहता कि हमने क्या देखा। तो इसके दौरान भी आप लोगों को देव दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। साथ में आप लोगों का जब शरीर सुन अवस्था में आ जाता है तो आप लोगों को आपके रोंगटे खड़े हो जाना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के थोड़ी थोड़ी देर बाद रोंगटे खड़े होंगे, आपके शरीर में झटके पड़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त झटके पड़ेंगे। साथ में आपके हाथों और पैरों का तापमान बढ़ जाएगा, एक गर्मी सी आपके हाथों पैरों में आपको महसूस होगी, कई बार तो बेचैनी भी आप लोगों को महसूस हो सकती है। साथ में आप लोगों की जो दिल की धड़कन है वह बहुत ही ज़्यादा रफ्तार में तेज हो जाती है, उनकी जो दिल की धड़कन की आवाज़ें हैं वो आपके कानों में आना शुरू हो जाती हैं। साथ में आपकी जो सांसें हैं वो भारीपन उनमें आना शुरू हो जाता है, आपकी सांसें भर भर कर आपको आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर आप लोगों के साथ में ऐसा होता है तो आप लोग जान सकते हैं कि आपके शरीर में कोई ना कोई देवी देवता की शक्ति आना चाह रही है और आपके शरीर के ऊपर उस शक्ति का वास जरूर है। इसी प्रकार से एक संकेत और भी आप लोगों को मिल सकता है कि जब आपका शरीर सुन हो जाता है तो ऐसे में आपका शरीर आगे पीछे डोलना शुरू कर देता है। पूजा के दौरान हल्का हल्का आगे पीछे शरीर डोलना, कई बार घूमना, कभी क्लॉकवाइज तो कभी एंटी क्लॉकवाइज, और जब आप अपने शरीर को रोकने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में वह और ज़ोर से हिलना शुरू हो जाता है। तो यह भी संकेत देता है कि आपके साथ देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं जो आपके शरीर में आना चाहती है। इसी प्रकार से कई बार क्या होता है कि हमें पूजा के समय पर क्रोध आता है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप पूजा करने जाओगे तो किसी न किसी बात पर क्रोध आ जाता है, आप लोगों को आए या फिर आपके घर में किसी को आए, जिसकी वजह से पूजा के समय पर झगड़ा होना, कलेश होना, तो यह पॉजिटिव संकेत बिल्कुल भी नहीं है। यह है नेगेटिव संकेत कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति है जो आपको पूजा करने से रोकती है। ऐसे में जब आप पूजा करने बैठते हो तो आप लोगों का मन नहीं लगेगा, आप लोगों को पूजा से उठने का मन करेगा, आप लोगों के मन में ये ख्याल आएंगे कि चलो आज नहीं कल से पूजा शुरू करूँगा। साथ में जब कल आप पूजा करने बैठते हो तब भी ऐसे ही ख्याल आएंगे कि चलो बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे उठ जाना चाहिए। साथ में आपके शरीर में दर्द होना, जैसे ही पूजा करने बैठे आप लोगों के शरीर में इतनी पीड़ा आप लोगों को महसूस होगी जैसे आपको बुखार हो चुका हो, बीमारी आप लोगों को लग चुकी हो, छोटी छोटी बीमारियाँ आपके शरीर को लगना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में कोई नेगेटिव शक्ति आपके घर में ज़रूर है जो आपको पूजा करने से रोकती है। साथ में और आप लोगों के जब आप पूजा करने जाओगे, पूजा के समय पर आपके विचार जो है वो गलत तरीके से आना शुरू हो जाते हैं, आप लोगों को गलत विचार आएंगे, नेगेटिव सोच आपकी होगी, साथ पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, यहाँ तक कि आपको पूजा के समय पर भय लगना शुरू हो जाता है। आप लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे आपके चारों ओर कोई घूम रहा है और वह कोई नेगेटिव शक्ति है, जिसकी वजह से आप लोगों का पूजा में ही मन नहीं लगता, आप लोगों का ध्यान एकाग्रित नहीं हो पाता। तो अगर इस प्रकार के कोई संकेत मिले या फिर आपके शरीर में दर्द रहता हो, साथ में आप पूजा तो करते हैं लेकिन जितने ज़्यादा पूजा कर रहे हैं उतने ही नुकसान आपका अपने घर में अपने परिवार में देखने के लिए मिलते हैं, जितने ज़्यादा पूजा
ऊर्जा करते हैं उतनी ही बीमारियां आपके घर में लगनी शुरू हो जाती हैं। तो यह सब होते हैं नेगेटिव शक्तियों के कारण, क्योंकि आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति जरूर है जिसकी वजह से जब आप पूजा करने जाते हो तो उस नेगेटिव शक्ति को परेशानी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव शक्ति अपना पूरा प्रयास करती है आपको रोकने के लिए कि वह सोचती है, क्योंकि जब अगर आप पूजा करोगे तो आपके घर में एक पॉजिटिव शक्ति का वास हो जाएगा, और अगर कोई पॉजिटिव शक्ति आपके घर में आ जाती है तो नेगेटिव शक्ति का प्रभाव आपके घर में चलना कम हो जाता है। तो ये होते हैं नेगेटिव विचार, इसमें आपको नेगेटिव विचार आएंगे, नेगेटिव सोच रहेगी, हर तरीके से जो भी पॉजिटिव संकेत होते हैं उनका ही उल्टा होना आपके घर में शुरू हो जाता है। साथ में काफ़ी साधक ऐसे भी हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या उनके घर में नेगेटिविटी है, कि क्या उनकी पूजा उनके देवता तक पहुँच रही है या नहीं, या फिर काफ़ी साधक ऐसे भी हैं जिनके शरीर में शक्तियाँ तो आ रही हैं लेकिन वह खुलकर नहीं आ पाती, अगर आती हैं वह वचन नहीं करती, वचन करती हैं तो वह सच्चे नहीं होते, शक्ति खुलकर नहीं आना। साथ में बहुत से कारण ऐसे बनते हैं जिनकी वजह से उनकी पूजा में रुकावट आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत से साधकों के बारे में उनकी परेशानियाँ बताई और उनका समाधान भी किया हुआ है, साथ में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या परेशानियाँ, किस देवता की शक्ति आपके साथ है, कौन सी नेगेटिविटी आपके साथ है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप अपनी समस्या को बताएं, साथ में आप लोगों से हमारी बात हो जाएगी। केवल व्हाट्सएप मैसेज ही आपको करना है, आपको कॉल आने का समय बता दिया जाएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।